नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रू हब में। और आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने एक Y2 की, जो कि मैंने Amazon से मंगाया है। और जैसा कि आपको सब फ्रेंड्स आपको पता है कि ये सेट बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। ये हाल ही में अपना 11 तारीख को रिलीज़ हुआ इसी मंथ में, तो इस सेट के लिए बहुत ही मारा मार चल रहा है। मुझे भी ये सेट बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो खैर मिल गया। आपको भी आई होप कि आपको भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन की पैकिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर इसका बिल वगैरह मेंशन किया हुआ है, और एक बिल इसके अंदर भी होगा। चलिए सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक सीज़र है और इसकी हेल्प से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास एक Y2 का ये स्मार्टफोन निकल के आता है। इसको हम एक बार साइड में रखते हैं। आई होप कि इसमें एक बिल भी हो। ये रहा। सो हमारे पास एक ये बिल निकल के आ रहा है, जो कि इसमें इनको प्राइस मेंशन की हुई है। एक तो इनके जो बिल वगैरह होते हैं इनमें मेंशन नहीं किया होता। सो फ्रेंड, जैसे ही आप इसकी प्राइस देख रहे हो, 999 999 है। ये रहा हमारे पास MI का बॉक्स आ जाता है, जिसमें इन्होंने Redmi Y2 इनमें अनबॉक्स लिखा हुआ है, और इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन, Xiaomi का लोगो। और बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें हमें एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो कि LED फ्लैश के साथ आता है। और जो इसका रियर कैमरा है, डुअल रियर कैमरा इसमें आ जाते हैं। एक है हमारे पास 12 मेगापिक्सल का और एक है हमारे पास 5 मेगापिक्सल का। और बात करें इसकी डिस्प्ले की, जो कि इसकी डिस्प्ले 18:9 रेशो के साथ इसकी आती है डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है यूज़ करने के लिए। और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिल जाता है। और इसमें एक खासियत और भी है कि ये फेस अनलॉक के साथ ही आता है, आप इसको अपने फेस के साथ अनलॉक कर सकते हो। हमारे पास जो वेरिएंट है वो गोल्ड में अवेलेबल है, और 3 GB और 32 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। सो फ्रेंड्स, और तो कुछ है नहीं, चलिए हम इसकी सील ब्रोक कर लेते हैं। ये सो और तो कहीं नहीं है सील इसकी, नहीं और नहीं है। सो ये हमारे पास MI का ये फ़ोन निकल के आता है। एक बार इसको हम अपने साइड पे रख लेते हैं और इसके अंदर के कंटेंट वगैरह चेक करते हैं। इसमें केस वगैरह आई थिंक केस तो होता है। सो सबसे पहले हमारे पास एक ये केस निकल के आ रहा है, जो कि सिलिकॉनिक बेस्ड होता है, काफ़ी सही होता है ये प्रोटेक्शन वगैरह के लिए आपके फ़ोन के लिए। सो इसको साइड पर रखते हैं। और ये चार्जर है, जिस पे इसकी रेटिंग दी है 5 वोल्ट की इसकी रेटिंग है। काफ़ी स्लो चार्जर है, आपको ये फास्ट चार्जर नहीं है ये। सो एक कॉर्ड हमारे पास निकल के आती है, जो डाटा सिंकिंग के लिए, डाटा फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए ये है। और सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये MI का फ़ोन आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और जो बात करें इसकी हम बॉडी की, तो ये देखने में तो ये मेटल लग रही है, बट एक्चुअली में मेटल है नहीं, ये प्लास्टिक है, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी आवाज़ से। और पीछे की तरफ हम बात करें तो इसमें हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और कैमरे की बात करें, इसमें 12 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाता है, और इसमें LED फ्लैश के साथ है। और इसकी जो नीचे की बात करें, तो ये चार्जिंग मिल जाती है चार्जिंग करने के लिए, और इसमें एक स्पीकर है, और इसमें आपका माइक आ जाता है। और इसकी जो लुक की बात करें, तो ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो इन्होंने MI वाले ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके ऊपर। और ऊपर की बात करें, तो आपको ये पोर्ट मिल जाता है 3.5 mm जैक का, जिसमें आप अपने गाने वगैरह सुन सकते हो। और जो ऊपर है, ऊपर आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, इससे आप अपने अप्लाइंसेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो।
और अब आ जाते हैं हम अपने साइट के ओवरव्यू के, जिसमें आपको वॉल्यूम लॉकर मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये सिम ट्रे मिल जाती है जो कि हाइब्रिड ट्रे नहीं है। इसमें आप एक टाइम में दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। और बात करें इसके फ्रंट की, तो इसमें हमें फ्रंट में ये कैमरा और ये आपको LED फ्लैश मिल जाती है और इसमें सेंसर मिल जाता है। और जो इसका कैमरा है IS बेस्ड है, जिसमें आप अच्छी खासी पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर अपनी क्लिक कर सकते हो, सेल्फीज वगैरह। सो फ्रेंड्स, मैं इसको जा रहा हूँ ऑन करके देखता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, वो आपको हम ऑन करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स, इसको मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका फर्स्ट बूट अप कर लिया है, तो इसको हम ऑन करके देखते हैं। सो फ्रेंड, बात करें इसकी हम डिस्प्ले की, तो इसमें हमें HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD नहीं, HD+ डिस्प्ले आती है इसमें। और इसके जो बटन की बात करें, तो हमें इसके ऑन स्क्रीन बटन मिल जाते हैं। और इसमें जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 8.0 एंड्रॉयड वर्ज़न है, और जो 10 वर्ज़न आएगा वो जल्दी, इसका नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। और इसके जो अच्छी क्वालिटी है इसका कैमरा है, जैसे कि आपको मैं चेक करवा देता हूँ, काफ़ी अच्छे शॉट ले सकते हो इससे, परफेक्ट शॉट, जो इसकी मेन USP है। इसमें पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है, जिससे आप अपना पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें इसने पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर दिया है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप फोटो देख रहे हो काफ़ी अच्छी है, तो ये फीचर जो है इसमें फ्रंट में भी अवेलेबल है, आप फ्रंट में भी अच्छी फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो पोर्ट्रेट मोड की हेल्प से। सो ये थी एक मेरी तरफ से छोटी सी अनबॉक्सिंग, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा सेट है, आपके लिए अच्छी डील हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अगर आप इसको बाय करते हो, ये काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप जाते हो 4GB रैम वाला, अगर आप वेरिएंट बाय करना चाह रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग वो डील काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि अगर आप 13,000 अपना खर्च रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ से और भी ऑप्शन वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बट अगर आप ये 3GB रैम वाला वेरिएंट लेना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छी डील है। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो कि Y2 पे बेस्ड है। मैं इसको नेक्स्ट अपडेट आपको बहुत जल्दी दूंगा कि ये मेरे को यूज़ करने में कैसा है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।